हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम मराठी, ग्रहण गौतम बच्चन। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक बोर्ड के ऊपर पेंट किया था, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर कलर हो चुका है चारों तरफ से, और ब्लैक कलर किया था मैंने, एशियन पेंट। और क्या हुआ था, वीडियो बना रहा था तब, वीडियो बनाते टाइम एकदम वीडियो बंद हो गया था। तो अगर इसको कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार और पेंट करेंगे, वरना जहाँ तक मेरे को दिख रहा है एकदम सही दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है, तब इसके ऊपर नाम लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी बोर्ड के ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हैं। और कई लोगों को इनको जानकारी नहीं होती है, तो उनको बताने के लिए मैंने ये एक बोर्ड के ऊपर कलर करके बताया कि किस तरह से पेंटिंग का काम किया जाता है। एक चीज़ और है, सरसों पीले कलर का जब इस्तेमाल किया जाता है तो बाढ़ ना करें। जब सरसों की फसल होती है तब बहुत सारे कीट इसके ऊपर चिपक जाते हैं, तो ब्लैक कलर के ऊपर वैसे नहीं चिपकेंगे। और एक जो अगर बारिश का टाइम है उस टाइम अगर कलर करते हैं और लाइट अगर पास में है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े इसके ऊपर चिपकने की संभावना रहती है। तो उस टाइम भी कलर आप लाइट को दूर रखें और उसके बाद में कलर करें। तो इन चीज़ों का भी ध्यान होना ज़रूरी है। और इसके ऊपर हम वैसे तो एक पेस्ट बना कर पेंटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए इन दरारों को भरने के लिए एक पेस्ट बनता है, पुट्टी और पानी और ऑयल पेंट थोड़ा सा मिला के उनका एक पेस्ट बना दिया जाता है, और उनको दरारों को भर के उसके ऊपर कलर कर दिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, इस इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, जब इनकी ज़रूरत होती है तब हम और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। और वैसे इसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लगा कर अगर हम कलर करते तो और भी अच्छा दिखता। तो एक बोर्ड है ये लटकाने के लिए, ब्लैक बोर्ड इसलिए बनाया है, ये कोर्ट में लगेगा, कोर्ट के अंदर जो वकील लोग होते हैं तो वहाँ पर कोई ऑफिस है जिसके अंदर इसको लगाएंगे। तो मैंने इसके वीडियो डाल दिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने इसके ऊपर कलर किया है। और ब्लैक कलर है, वैसे बहुत सारे कलर होते हैं, कई लोगों को ब्लैक पसंद नहीं होता है। वैसे ब्लैक हर कलर का अपना अपना एक इफ़ेक्ट है, तो ये ब्लैक कलर का बोर्ड किस तरह करते हैं इसलिए इसका मैंने वीडियो बनाया है। और इसके साथ के वीडियो और है, एडिटिंग करके तो टाइम नहीं है, इसलिए एडिटिंग करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट वीडियो डाल दूँगा ताकि आप पिछले वीडियो भी आप देख सकें कि किस तरह से ब्रश का इस्तेमाल किया है। वो ब्रश का उपयोग करने के बाद में आप उसको ये केरोसिन है या मिट्टी का तेल या तार पिन से उसको धोने के लिए ना भूलें। वैसे कोशिश रखें कि आपके पास में एक डिब्बा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा ऑलरेडी तार पिन या केरोसिन या मिट्टी का तेल पड़ा हुआ हो, ताकि उस ब्रश को उसके अंदर रखा जा सके। और कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा ये डाल देते हैं, ब्रश डाल देते हैं जिससे तार पिन का तेल गंदा हो जाता है। तो बड़े ब्रश को उसके अंदर डाल कर आप उसको गीला रख सकते हैं, ताकि उसके बाल हमेशा सॉफ्ट रहें। या तो बार बार धोओगे, जो लगातार काम कर रहे हैं वो बार बार धोएंगे तो इससे ज़्यादा वेस्ट होता जाएगा। और एक सीसी 70-80 रुपये की आती है, तो आप इस ख़राब वाले ऑयल का भी इस्तेमाल करते हुए इसको काम में ले सकते हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान होना ज़रूरी है, क्योंकि नए नए जो पेंटर बनते हैं तो मैं नहीं चाहता कि उनका इस तरह से नुकसान हो, या सीख भी रहे हैं तो
उनको पता नहीं रहे कि यार कितना पैसा हम खर्च करते जाएंगे और हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। 70 रुपये की एक बोतल आती है जिसमें भी 1 लीटर पूरा नहीं होता है। तो वैसे गवर्नमेंट ने कई जगह केरोसिन को बंद कर दिया, तो इससे भी ज़्यादा पेंटरों को दिक्कत आ रही है आजकल। तो आप तारपिन के तेल को यूज करते जाए, अगर वो ख़राब हो गया तो एक डिब्बे में इकट्ठा करते जाए और उससे बड़े ब्रश धोते जाए। तो ये आज मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि ब्लैक पेंट कैसे किया जाता है। ब्लैक पेंट पेंट इसी तरह किया जाता है कोई सा भी हो। और इसके ऊपर मैंने वुड प्राइमर किया है, वुड प्राइमर की जगह डायरेक्ट डेकोप्लास्ट लगा कर उसके ऊपर पेंट कर दिया है। तो आज के वीडियो में यही जानकारी है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। शोरगुल बार हो रहा है इसलिए आवाज़ आ रही होगी। तो मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको और भी जानकारी मिलती रहे।